सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये है बजाज कंपनी का CT 100 बाइक, और आज मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये बाइक माइलेज कितना देता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, चार पाँच ब्लॉग मैं इस बाइक से निकाल चुका हूँ रैपिडो ओला उबर में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 60+ है माइलेज इसका, 65-70 किलोमीटर ऐसा माइलेज है। तो आज इसका प्रॉपर माइलेज चेक करूँगा कि एक्चुअल में ये बाइक कितना माइलेज देता है। तो अभी मैंने टैंकी से सारा पेट्रोल निकाल के बिस्लेरी के बोतल में मैं अपने बैग में डाल लिया हूं, और इस बाइक में अभी थोड़ा सा पेट्रोल है। तो इस पेट्रोल को ख़त्म करने के लिए मुझे रैपिडो ओला उबर ये सब को लॉगिन करना पड़ेगा, और उसमें चला चला कर जब पूरा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक कितना किलोमीटर चलता है। तो प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये बाइक माइलेज कितना देता है। तो बाइक थोड़ा सा गंदा दिख रहा है क्योंकि मैं अभी वॉशिंग करवाने गया था, दो तीन जगह गया था, लेकिन सब ने मना कर दिया, उसके पास टाइम ही नहीं था, काफ़ी सारी गाड़ी थे पहले लाइन में लगा हुआ। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में वॉशिंग करवाता हूँ। तो टैंक बैग को लगाते हैं गाइज टैंकी के ऊपर, उसके बाद करते हैं रैपिडो ओला उबर पोर्टर जो भी करना होगा। तो भाई ये टैंक बैग है ना, बहुत हेल्प होता है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं पीठ पे टांग रखा था पीछे, और अभी मुझे बाइक पे लगाना है, तो जो टांगने वाला था उसको खोल के मैंने इसके अंदर डाल दिया, और अंदर से मुझे ये मैग्नेट निकालना पड़ेगा। तो 2 मैग्नेट ये है, 1, 2 और तीसरा, ये चौथा एक यहाँ भी है, 5 मैग्नेट है, इतने बड़े बड़े 5 मैग्नेट है आप देख सकते हो। तो भाई बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है ये टैंकी पर, तो इस तरह से मुझे चिपकाना पड़ेगा। और ये साइड वाला मैग्नेट इधर, और इधर भी साइड वाला मैग्नेट इधर मैं चिपका दिया हूँ, और ये पीछे जो मैग्नेट है ना, तो बीच वाला तो अपने आप चिपक गया, और साइड वाला और ये वाला मुझे इस तरह से चिपकाना पड़ेगा। तो अब ये बैग हिलता नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है 2 लीटर पेट्रोल जो कि मैंने इस बाइक से निकाला हुआ है, ठीक है। तो पहले इसमें जो थोड़ा बहुत है ना बचा हुआ पेट्रोल, तो उसको खाली करके फिर उसके बाद इसको डालेंगे, ठीक है। और मैं अपना हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ था तो इसको ही बाइक में रखते हैं, टांग लेता हूँ यहाँ पर। तो अभी मुझे लॉगिन करते ही पहला राइड उबर में मिल चुका, जो कि ये 49 का है। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ, और मुझे फिर से रैपिडो और ओला को ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा। तो अभी मैं आया था पंचकुला के स्टेडियम में, सोचा कि चलो यहीं पर वीडियो शूट कर लेते हैं। तो भाई वीडियो तो स्टार्ट हो गई है, तो अभी चला चला के थोड़ा सा जो पेट्रोल है इस बाइक में उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और इससे ये पता चल जाएगा कि अगर आप लोग ये बाइक लेना चाहते हो CT 100, तो आपको मतलब कोई भी अगर बाइक लेना चाहता तो उसके मन में सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि ये बाइक एक्चुअल में माइलेज कितना देता है। मैं आपको लाइव मतलब सब कुछ दिखाऊँगा, प्रॉपर दिखाऊँगा। मैंने R15 का भी इसी तरह से माइलेज टेस्ट किया था, ठीक है। सारा पेट्रोल निकाल के थोड़ा बहुत जो बचा था तो उसको चला चला कर ख़त्म किया, उसके बाद मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला। तो भाई R15 भी बहुत अच्छा माइलेज दिया। अगर आपको देखना है कि R15 मेरा कितना माइलेज दिया, तो उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और कुछ दिन के बाद मैं फिर से R15 को एक बार और मैं माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ कि दोबारा कितना किलोमीटर माइलेज देता है। और इस बाइक का भी सर्विस करने का भी टाइम आ चुका है, तो अभी मैंने सर्विस नहीं करवाया, तो जानबूझ के नहीं करवाया था। मैं सोचा पहले एक बार माइलेज टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सर्विस करवाते हैं। और अभी तो मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट करता हूँ, और आने वाला वीडियो में आपको और भी बाइक का माइलेज टेस्ट करके दिखा दूंगा। मेरे पास और भी बाइक है, मेरे पास नहीं मतलब मेरे दोस्त का है, तो सोचा कि उस बाइक का भी रिव्यू करूँगा और उसका भी माइलेज टेस्ट करके बताऊँगा। क्योंकि हर किसी को तो ये CT 100 पसंद नहीं होगा, मतलब बहुत सारे बाइक है, तो सबको अलग अलग बाइक पसंद होता है, तो इसीलिए ठीक है। तो मैं सभी बाइक का माइलेज टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा कि भाई कौन सा बाइक कितना अच्छा है, कितना माइलेज देता है। और रैपिडो ओला उबर या फिर जोमैटो स्विगी फूड डिलीवरी जितनी भी ये डिलीवरी की कंपनियां हैं, तो उन सब में काम करने के लिए ये बाइक या फिर कोई और बाइक सही रहेगा या नहीं, अगर सही रहेगा तो कौन सा बाइक सही रहेगा, तो मतलब आने वाले वीडियो में ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उबर में जो पहला राइड आया हुआ है, तो उसी को चलते हैं पिकअप करने के लिए, क्योंकि फालतू में बाइक चला कर तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए सोचा कि चलो रैपिडो ओला उबर को लॉग इन कर लेते हैं, पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, माइलेज भी टेस्ट हो जाएगा, और कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाएगा। जो पेट्रोल का पैसा है वो मतलब जेब से नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगा। तो चलो भाई पहले इसको पिकअप करते हैं। मैडम की राइड है, लड़की के नाम से था, रिया के नाम से है ना, हाँ मैं ही हूँ। आप पिन बता दीजिए आप। हाँ हाँ बैठो, आपने लोकेशन यहीं पर डाला था क्या? यहीं पर रोक दो फिर, इस पर कर दो। अच्छा ठीक है। तो अभी मुझे दूसरा ऑर्डर पोर्टर मिला है गाइस, और ये 47 का ऐसा कुछ दिखा रहा था,
तो उसी को अभी पिकअप करने के लिए आया हूँ, जो उसका पार्सल होगा। लो जी सर, यही देना है ना? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ पेमेंट वहीं पे होगी ना? हाँ जी, पेमेंट उधर ही करेंगे ना? हाँ जी उधर ही करेंगे। ठीक है, तो इस पार्सल को 2 किलोमीटर ही जाकर देना, इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही है। तो भाई 2 किलोमीटर का तो 47-47 रुपये पेमेंट ही दिखा रहा था जब मेरे पास ऑर्डर आया था। तो देखते हैं भाई कमीशन कितना लेता है पोर्टर। तो मैडम से बात हुई है तो इन्होंने बोला कि घर के अंदर आके रख देना और पेमेंट ऑनलाइन है। तो चलो भाई रख देते हैं, यहाँ पर रख देता हूँ। तो 7 रुपया कंपनी ने कमीशन ले लिया और मुझे मिला 40 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 40 रुपया आज कर देंगे। ठीक है, और ये ना 2 किलोमीटर का राइड था और 1 किलोमीटर मैंने इसको पिकअप किया था, तो टोटल वही 3 किलोमीटर बाइक चली, 3-3.5 किलोमीटर। तो छोटा राइड पे पोर्टर ज़्यादा पैसा देता है। A few moments later. आपने किया था रैपिडो? उसी जगह पे जहाँ से लेके आया था। अच्छा, कोई बात नहीं, तब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, फिर पेमेंट बाद में ही करते हैं। हाँ हाँ, इकट्ठे कर देना। ठीक है, हाँ। तो इस मैडम को दोबारा वापस वहीं पे जाना जहाँ से मैंने इसको पिकअप किया था। एक्चुअली इनको 2 मिनट का ही काम है, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा देर वेट करो, मैं आती हूँ, फिर मुझे वहीं पे ड्रॉप कर देना। 5 minutes later. जहाँ से आप आए थे वो लोकेशन आपको पता है, रास्ता पता है वहाँ का? बता दूंगी मैं, सेक्टर 5 भाई। हाँ रास्ता बता दूँगी, फिर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ से चलेंगे तो वो जो पुल नहीं आया था, जहाँ से बंद था। हाँ हाँ हाँ, उसके नीचे से जाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा फिर इधर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो डर गया। कितना दिखाया था आपको एक साइड का? मुझे 47 दिखा रहा था वहाँ पे, लेकिन है ना उतना ही है ना। मैं सोचा कहीं वेट किया तो कहीं उसका तो नहीं भर गया। कितना करूँ फिर आपको? अप डाउन का डबल। ठीक जी, थैंक यू। A few moments later. तो भाई अभी बाइक अपने आप ही बंद हो गया। ठीक है, तो दोबारा सेल्फी लेके दिखाता हूँ। तो देखो स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब इसको वो नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी भाई इस बाइक में पूरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो पहले मैं किलोमीटर आपको दिखा देता हूँ। तो अभी 25,683 किलोमीटर चला हुआ है। मैं आपको मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो भाई 25,683 किलोमीटर चला हुआ है, और देखते हैं कि भाई बाद में कितना किलोमीटर तक चलता है। तो सबसे पहले अब इसमें गाइस पेट्रोल डालना पड़ेगा मुझे, एक बोतल जो मैं बोतल में भर के रखा हूँ। तो इसमें है गाइस 1 लीटर पूरा पेट्रोल। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल मैं इसमें डालता हूँ ढक्कन खोल के। और जब वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास एक बोतल और है, ताकि मैं वहाँ से अपने घर को वापस आ सकूँ। ठीक है, तो अभी मुझे रैपिडो में चला चला कर इस पेट्रोल को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इतने दिन से मैं इस बाइक के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई 70 किलोमीटर के आसपास तक एवरेज देगा, लेकिन पता तो जब चलेगा जब ये 1 लीटर पेट्रोल जो मैंने अभी डाला वो ख़त्म होगा, तब मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में बाइक माइलेज कितना देता है। तो चलो भाई देखते हैं कि यह बाइक माइलेज कितना देता है। अच्छा, फ़ोन करूँगा तो वो आ जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पेमेंट भी वही करेंगे। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, ओके भैया। कितने? 77। नहीं इसमें फिक्स नहीं है, मैग्नेट है, जब चाहे तब निकाल सकता हूँ इसको। कितने देना है? 32 में चल जाएगा? हाँ हाँ चल जाएगा। थैंक यू, ठीक है, वेलकम। ओला ना बताना आप OTP। ओला नहीं, नैनो। यहीं पर ख़त्म हो रही है, यहीं पे आना था आपका। ये ना रैपिडो अनुजा? हाँ मैं ही हूँ, नंबर दूसरा है इसीलिए। ये क्या आ रहा है? 8924। अभी तक पहुँचे ही नहीं हो आप। नहीं वो नेटवर्क की वजह से ऐसे दिखा रहा होगा, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा दिखा रहा होगा। जब आपकी बुकिंग आई थी ना तो मेरे पास राइड था, मेरे पीछे कोई बंदा बैठा था, उसको यहाँ पे सन सिटी के पास कंप्लीट करें तब आया। वो OTP बता दो। OTP 757। आपका नेट तो बंद है? नहीं
तभी नहीं ले रहा था। ओके मैं उधर देख रहा था। आप ही का फोन आ रहा है? हाँ मैंने ही किया, कर दो। पिन कोड? हाँ पिन कोड 66। हाँ 66 56। हेलमेट है? अच्छा इस पे कर दो। 53 ना? हाँ वेलकम। मैं ही हूँ, रैपिडो नंबर तो कुछ और आ रहा है इसमें। हाँ ये नंबर दूसरा है, वो बाइक ख़राब है ना इसीलिए। अच्छा 8924 आ रहा है? हाँ 8924 राहुल के नाम से आ रहा होगा, अनीता। ठीक है ओ वो OTP तो बता दो। नहीं ऐप में होगा, मैसेज में नहीं। ये 203 नहीं? 20 हेलमेट है? हाँ ठीक है। आपको ना इस एड्रेस पे जाना है, मैंने मैसेज कर दिया लड़के को इसको, वैसे तो इसको पता है सारा एड्रेस, फिर भी आपको बता रही हूँ ना। ठीक है ठीक, आप वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दे रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक, ओके बैठो यार। तो भाई अब बाइक देख लो, झटका मारने लगा, बंद हो गया बिल्कुल। ठीक है वैसे अभी स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्सीलेटर कभी कभी छोड़ दे रहा है। ठीक है तो ज़्यादा मतलब छेड़खानी नहीं करते ना, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें तो मैं आपको एक मिनट उतरता हूँ भैया, एक बस दो मिनट का काम है। ठीक है तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि भाई अभी कितना किलोमीटर बाइक चला। तो अभी देख सकते हो 25,744 किलोमीटर चला हुआ। ठीक है तो किलोमीटर का मैंने वीडियो बना लिया। ठीक है गाइस तो इस राइड को मैं कंप्लीट कर देता हूं, तो उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूं कि ये बाइक कितना माइलेज दिया। पैसे वही देंगे? अच्छा आप देंगे 139 रुपया, 50 का है तो दे दो, हो जाएगा। देखो मैंने आपको कितना वापस करना था? मुझे 60 करने थे। मतलब 200 मेरे को दे दिए, तो 200 मतलब 60 करने थे ना, तो 60 और 50 110 हो गया, तो मैं आपको 110 रुपया दे देता हूँ। हाँ, हो गया ना बराबर। तो जब इस बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ था गाइज, उस टाइम चला हुआ था 25,683 किलोमीटर, और उसके बाद मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, मतलब एक लीटर पेट्रोल डाला और उसको चला चला कर ख़त्म किया, तो उस टाइम चला हुआ था 25,744 किलोमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो अभी मैंने कैलकुलेटर किया तो भाई 61 किलोमीटर माइलेज निकला इस बाइक का। तो मैं सोचा था कि 65 से 70 किलोमीटर माइलेज देगा ये बाइक, लेकिन इतना नहीं दिया, 61 किलोमीटर ही माइलेज दिया। और इस बाइक का ना सर्विस करने का भी टाइम हो गया था, लेकिन मैं जानबूझ के इसको सर्विस नहीं करवाया हूँ। मैं सोचा कि पहले इसका माइलेज टेस्ट कर लेते हैं कि बिना सर्विस किए हुए ये बाइक कितना माइलेज देता है, और हो सके तो मैं एक बार और इसका माइलेज टेस्ट कर लूँगा सर्विस करने के बाद। क्या पता सर्विस करने के बाद माइलेज टेस्ट करता हूँ तो क्या पता थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज दे सकता है। और इस बाइक को मैंने गाइज आज लोकल में ही चलाया, ऐसे नहीं कि लॉन्ग रूट पर ले गया था और हाईवे पर चलाया, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि मैंने रैपिडो को लॉगिन किया था और ओला को लॉगिन किया था, तो रैपिडो में छोटी छोटी राइड लोकल में ही मैंने कंप्लीट किया। और आज तो सबसे ज़्यादा जो पंचकुला का फेस वन इंडस्ट्रियल एरिया है, बल्टाना, जीरकपुर और पीर मसाला सेक्टर 20, मतलब यही लोकल एरिया में चलाया। और वो सब और उस साइड का जो रोड है ना भाई, इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। अभी मैं सारा कपड़े मैं मतलब सारा कपड़े नीचे से ऊपर तक और मैं सब कुछ भाई मैं धूल से पूरा भर गया हूँ, इतना टूटा फूटा रोड है और धूल मिट्टी उड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज कि मैं इसको इस बाइक को लोकल में चलाकर 60 ही मान लो 60 किलोमीटर ये बाइक माइलेज दिया। तो अगर आपके मन में डाउट होगा शायद पहले से कि भाई एक्चुअल में ये बाइक कितना माइलेज देता है, तो आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि भाई अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे आइडिया आता है कि अच्छा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और क्या इस बाइक को लॉन्ग रूट पर हाईवे पर माइलेज टेस्ट करना चाहिए, क्या पता भी चल जाएगा कि भाई लोकल में 60 किलोमीटर माइलेज दिया तो हाईवे पर लॉन्ग रूट में कितना किलोमीटर माइलेज देता है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसको लॉन्ग रूट में भी ले जाऊंगा और हाईवे पर चेक करूंगा कि भाई हाई स्पीड में हाईवे पर लॉन्ग रूट में कितना माइलेज देता है। और आप लोग बोलोगे तो मैं इस बाइक को सर्विस करने के बाद भी मैं टेस्ट कर लूँगा इसका माइलेज, कि सर्विस करने से पहले इतना माइलेज दिया तो सर्विस करने के बाद ज़्यादा माइलेज देता है क्या। तो भाई अगर ये दो वीडियो और मैं बना देता हूँ, एक तो लॉन्ग रूट पर इसका माइलेज टेस्ट और सर्विस करने के बाद एक बार और माइलेज टेस्ट,
तो भाई इस बाइक का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सर्विस करने से पहले भी, सर्विस करने के बाद में भी, लोकल में भी चलाने से और हाईवे पर भी चलाने से। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गया।